मध्य प्रदेश में फिर से सियासी सरगर्मी शुरू होने वाली है। खंडवा लोकसभा की सीट पर उपचुनाव होने वाला है, इसे लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बता दें, शनिवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खंडवा में कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। पहले तो मुख्यमंत्री खंडवा से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने व लोगों से संवाद करेंगे, इसके बाद खंडवा उपचुनाव का आगाज करेंगे। कार्यक्रम में उनके साथ नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र से मंत्री सांसद विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधि वर्चुअली रूप से जुड़ेंगे। खंडवा से प्रधानमंत्री आवास योजना का यह कार्यक्रम उपचुनाव की तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से खंडवा लोकसभा सीट शामिल है। इसके अलावा रैगांव, जोबट और पृथ्वीपुर भी में ही उपचुनाव होने वाला है, लेकिन यह विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों का उपचुनाव बीजेपी के लिए इसलिए अहम है क्योंकि बीजेपी को दमोह उपचुनाव में मिली करारी हार का सामना करना पड़ा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। कमलनाथ जी, पहले कांग्रेस पार्टी को तो देख लो, छत्तीसगढ़ की सरकार दिल्ली में परेड कर रही है। बता दें, कमलनाथ ने भी दिल्ली से वापस आकर मध्य प्रदेश कांग्रेस में बदलाव की बातों को खारिज करते हुए खंडवा उपचुनाव पर ध्यान देने की बात कही थी।